गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसवा। आज आप लोगों का एवरेज चैप्टर का टेस्ट है, लेक्चर फोर होते हुए भी टेस्ट नंबर फर्स्ट है। आप लोगों को तीन चार लेक्चर्स पढ़ा दिए गए थे, उसमें आप लोगों को सारे टॉपिक्स बता दिए गए थे, तो आपका आज उसी चैप्टर्स के रिविजन के तौर पर एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट टेस्ट है, कई लोगों का रिविजन अच्छा नहीं हुआ होगा तो उनका नंबर खराब आ सकता है, तो इसी के लिए मैंने कल एक और टेस्ट रखा है, टेस्ट नंबर 2। तो अगर बाई चांस आज किसी बच्चे का पेपर खराब होता है तो कल आप लोग फिर से रिवीजन करके उस टेस्ट को दीजिएगा, ठीक है, और ट्राई अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिए ताकि टेस्ट स्टार्ट हो जाए। 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देंगे, और किसी दूसरे का कमेंट देख के कमेंट ना कीजिएगा, अपना खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो खुद का पढ़ाई करके अपना सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, और जो लोग पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है एक भी लेक्चर और डायरेक्ट वो आज टेस्ट में आए हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई मैथमेटिक्स लेक्चर्स की, आप लोग वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको एवरेज के तीनों लेक्चर मिल जाएंगे, आपको सारे टाइप्स पढ़ाए गए थे कि जब कोई व्यक्ति नया शामिल होता है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, बीच की संख्या ज्ञात करना, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। सब लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग कुजस्वी, गुड इवनिंग शिव पूजन, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकाश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को, आप लोगों के ऑप्शन दे दिए जाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन बोला गया है 30 संख्याओं का औसत 46 है, 30 संख्याओं का औसत 46 है, जिनमें से प्रथम 16 संख्या 15 प्रथम 15 संख्याओं का औसत, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है, क्वेश्चन बोला गया अभी तक आप लोगों का 30 संख्याओं का औसत 46 है, जिनमें से प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, क्लियर। तो 16वीं संख्या ज्ञात करें, 16वीं संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आपके औसत दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 45, डी 48, सी 46 और डी मेरा फेवरेट नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर नन ऑफ दीज आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसका आंसर बताएगा क्या आएगा, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ। बोला गया 30 संख्याओं का औसत 46 है, जिनमें से प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात करें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। तो आपका 2 मिनट स्टार्ट होते हैं अब, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों का नहीं लग पाएगा उनको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा ये क्वेश्चन, ताकि सबको क्लियर है। फिर से एक बार ये 15, ठीक है, जल्दी लगाइए। दो मिनट के अंदर कमेंट कीजिए जल्दी से। मैं नंबर की काउंटिंग कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा जो टॉप 3 बच्चे होंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दिया करूँगा। बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। जो लोग क्लास देखे हैं उनका आंसर तो सही आएगा ही आएगा, क्योंकि वो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, उन्हें समझ में आ चुका है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, आते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसका, आता है ठीक है, आपके दो मिनट ओवर हो चुके हैं, आते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, तीस संख्या का औसत 46 है, तो कर दीजिए 30 × 46, ठीक है, 30 × 46 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 कैरी किया 1, 4 × 3 = 12, 13 आपका क्या 1380। ठीक है, क्लियर, 30 संख्या का औसत 46 है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर 15 संख्याओं का औसत 47 था, तो 15 × 47 कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 47 × 15, 5 × 35 = 5 कैरी 3, 5 × 20 = 23, 7 × 9 = 7, 4 × 9 = 4, 5, 7 × 3 = 10, 4 × 6 = 7, कितना क्या आपका 705। क्लियर है, आपने इसको भी निकाल लिया, फिर जो कहा है लास्ट लगा दीजिए, 14 संख्या का औसत 45 है, तो 14 × 45, ठीक है, कर लीजिए 45 × 14, तो 45 × 4 = 180, 80 × 0 कैरी 18 गया, 45 × 45 = 18, 63 हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, मध्य की मतलब कि 18वां नंबर ज्ञात करना, 15वां नंबर या कोई नंबर ज्ञात करना, जो मैंने बताया था बीच की संख्या या कोई नंबर ज्ञात करना हो, तो करते क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद दो को जोड़ के तीसरे में से घटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ध्यान देखिए 1380 में से माइनस करेंगे कितना, जोड़िए 5 × 5 = 3 + 7 = 6 = 13, घटा दीजिए आप लोग कितना जगह 45, तो आपकी 16वीं संख्या क्या हो जाएगी 45। क्लियर है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, जितने बच्चों का सही है सभी को एक एक नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, जिन लोगों को नहीं समझ में आता नोट कर लें। क्लियर, समझ में आ गया होगा, मैंने क्या किया, मैं एक बार समझा दे रहा हूं, 30 का मल्टीप्लाई 46 से किया जो दिया था, 15 का मल्टीप्लाई मैंने 47 से किया जो कि दिया था, 14 का मल्टीप्लाई मैंने 45 से किया, तो ध्यान देखिए 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 14 15 29 मैंने निकाल दिया, 29 संख्या का औसत, और तीसरे में से मैंने घटा दिया, तो जो बचा वो एक संख्या निकली, वही एक संख्या कौन सी थी, 16वीं संख्या। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन लग रहा है वो मोस्टली बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, आप सभी को एक एक नंबर मिल चुका है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आज के टेस्ट के, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं टेस्ट के, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इक्यावन से 137 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, आपका क्वेश्चन था, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपका चूज कीजिएगा डी ऑप्शन, तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कितना आएगा, क्लियर, लगाइए आप लोग, एक मिनट का समय दे, जल्दी से लगाइए, एक मिनट के अंदर जल्दी से लगाइए, सेकंड क्वेश्चन आज के टेस्ट का, ये 96 है, 96 कंफ्यूज ना होइएगा,
जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, 30 सेकंड बचे आप लोग के। बहुत बढ़िया, आंसर सबका सही आ रहा है, लगभग लगभग नन ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं। कमेंट भी कर दीजिए नन की जगह क्या आएगा, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, कल मैंने बताया था जब भी गैपिंग सेम हो तो कैसे करेंगे। पहले देखिए आपकी सीरीज क्या बनेगी, 51 से 137 तक की सभी विषम संख्या, तो 51, 53, 55, ... 137 ऐसी संख्याओं का जब एवरेज निकालना होता है और गैपिंग सेम होती है, तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो। प्रथम संख्या आपकी क्या है 51, अंतिम संख्या कितना है 137 बटा दो, कर लीजिए 7 × 8 = 5 × 3 = 188 / 2 कट के क्या आ जाएगा 94, ठीक है 94। 94 कहीं ऑप्शन में है, 95, 93, 96 नहीं है, तो नन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 94। क्लियर है सभी का, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे काफी बच्चों का सही आ गया था, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो दो क्वेश्चन हो गए, कई बच्चों के दो दो नंबर हो गए, ठीक है। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो दो नंबर का रहेगा, ठीक है, एक आग बोनस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए पेपर में, ताकि जो बच्चे पीछे चल रहे हैं वो आगे आ सके, और जो आगे चल रहे हैं वो अगर गलती करे तो पीछे हो सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन रहेगा, वो दो नंबर का रहेगा, ठीक है, जल्दी से जो लोग पीछे हैं वो कवर करने के लिए जुट जाए, ठीक है। नोट हो गया होगा, आते हैं बोनस क्वेश्चन पे, ठीक है, आज के थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का बोनस क्वेश्चन, एक व्यापारी की 5 महीनों की इनकम क्रमशः ₹64, ₹35, ₹69, ₹27 ₹68, ₹55 ₹72, ₹30 तथा ₹65, ₹62 है, ₹65, ₹62 है। कहा गया है क्वेश्चन कि यदि एक व्यापारी की 5 महीने की इनकम क्रमशः इतना इतना रुपए है, इतना रुपए है, ठीक है, तो वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे, तो वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे, कितनी बिक्री करे कि उसका औसत, मतलब छहों महीनों को लेकर ₹6,500 रहे। क्लियर है, बोला गया है यदि एक व्यापारी की 5 महीनों की इनकम क्रमशः इतना रुपए तथा इतना रुपए, ठीक है, तो छठे महीने में कितना रुपए कमाए कि सभी की एवरेज अगर मिलाई जाए तो ₹6,500 आ जाए, ठीक है। कैसे करना आप लोग सोचिएगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 59, बी 49, सी 49, डी नन। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए। दो नंबर का क्वेश्चन है और बोनस क्वेश्चन है, इसलिए 2.5 मिनट दिया जा रहा है, 2.5 मिनट, जल्दी से कंप्लीट करके आंसर बताइए।
क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यापारी की 5 महीनों की इनकम क्रमशः 64, 35, 29, 27, 68, 55, 72, 30 और 65, 62 है, तो वह छठे महीने में कितनी बिक्री करेगा कि उसकी औसत 6500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जल्दी अटेंड करके बताइए। हिंट नहीं दिया जाएगा, जल्दी से आपको कीजिए। आप लोगों के लगभग 40-45 सेकंड खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग के 1.5 मिनट खत्म हो गए हैं, लास्ट 1 मिनट बचा है। क्लियर है, आप लोगों का टाइम ओवर हो गया, जितने बच्चों ने सही आंसर दिया वेरी गुड, जो लोग नहीं दे पाए वो समझे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे 2 नंबर का रखा था। ठीक है, ध्यान समझिए, सॉल्यूशन जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे पहले कि 5 महीनों की इनकम जो है उसे आप लोग एक साइड में ऐड कर लीजिए, ताकि क्लियर है कि उस 5 महीने में उसने कितना कमाया। सारी नंबर लिख लेते हैं, 64, 35, 69, 68, 55 और 72, 30 और लास्ट वाली कितनी है 65, 62 रुपये निकाल लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, तो जोड़िए कितना आ रहा है, 5, 7, 12, 5, 17, 17, 2, 19 के 9 कैरी 1, 3, 1, 4, 2, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 6, 20 के 0 कैरी 2, 4, 2, 6, 9, 15, 8, 23, 23, 2, 25, 5, 30 के 0 कैरी 3, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 6, 31, 3, 34 ठीक है, तो आपने निकाल लिया कितना रुपए आ रहा है उसकी जो 5 महीने की इनकम है टोटल। उसने कहा है कि ऐसा वो कमाए कि 6 महीने की एवरेज 6500 हो जाए, तो आपको दिया कि 6 महीने की एवरेज 6500, तो जब ऐसे दिया रहा है तो क्या करते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6500 × 6 कर लीजिए, 6500 × 6 ठीक है, जल्दी से कर लीजिए 6500 × 6 ताकि सारा निकल जाए, रुपया कितना होगा 6500 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6×0 = 0, 6×0 = 0, 6×25 = 0 कैरी 3, 6×36 = 39 तो जानते रहिए टोटल मनी उसके पास कितनी हो रही है 39000, उसमें से उतना वो 5 महीने में कितना कमाया 34009 रुपया कमाया, छठे महीने का आप कैसे निकालेंगे। अगर मैं जैसे कह दूं आप लोग 6 महीने में 30 रुपया पाते हैं और 5 महीने में आप लोग टोटल 20 रुपया कमाए, 6 महीने में आप लोग टोटल 30 रुपये पाते हैं, 5 महीने में 20 रुपये पाए हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली छठा कैसे निकालेंगे, 30 में से 20 घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने छठे महीने में 10 रुपये पाए हैं। ठीक है, तो भाई 6 महीने में टोटल इतना था, 5 महीने में इतना, इससे इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा छठे महीने का, तो 34009 घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 0, 4, 4991 सबट्रैक्शन हुआ है 4991 सही है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बच्चों का आंसर आ गया था वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं है वो समझ गए होंगे, नोट डाउन करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं समझ में आया था वो कमेंट कर देंगे कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
और टेस्ट कैसा लग रहा है, ये चीज़ कैसी लग रही है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को, आप लोगों को टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं रिवाइज हो रहे हैं ये भी आप लोग कर दीजिएगा कमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अपने आज के टेस्ट के चौथे क्वेश्चन पे। क्लियर है? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो भी दो नंबर का क्वेश्चन है, ताकि जो लोग पीछे आगे हो गए हैं वो फिर से रिकवर कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी बोनस क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, फिर कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल अब जो टेस्ट है वो चार नंबर का कंप्लीट हो चुका है, जो क्वेश्चन आने वाला उसको लेके छह नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी। लैंग्वेज ध्यान समझिएगा, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। लैंग्वेज समझेंगे तभी लगा पाएंगे, इसीलिए दो नंबर का रखा हूँ। तीसरी की तीन गुनी है। ठीक है, यदि उनका औसत सौ हो तो सबसे बड़ी संख्या याद करें। क्वेश्चन बोला गया आप लोगों का कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। ठीक है, तो और यदि उनका औसत 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, औसत दिए गए आपके 120, 150, 200 और डी वाला मेरा बेस्ट नन ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ना आप लोगों को देखने में, बोला गया है तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, यदि उनका औसत 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सॉल्व कीजिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉजिक लगा के आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं टॉपिक। बट मैं चाह रहा था इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को और क्लियर है। मैं इक्वेशन से आप लोगों को समझाऊंगा और लॉजिक भी बता दूंगा कि कैसे आप लॉजिक से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बच्चों का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 मिनट 2.5 मिनट दिया गया आप लोगों को, बट कई लोगों का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर ऑप्शंस आप लोगों को ना क्लियर दिख रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन दिया गया 120, 150, 200 और नन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए, जल्दी सॉल्व कीजिए। और
अभी भी बीटीसी वाले लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे हैं। तो ग्रुप में एक्टिव रहने वाला काम करें। और हाँ, क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों का गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो उसके लिए अभी से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। अभी से आप लोग अपनी परफॉर्मेंस भी तैयार करते रहेगा कॉलेज में परफॉर्मेंस करने के लिए, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और अभी से एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। वैसे मैं आऊँगा उस दिन कॉलेज, कन्फर्म चांसेस है कि 26 तारीख को आऊँगा मैं, 26 जनवरी को, क्योंकि पहली बात तो गौरव की बात है हम लोगों के लिए, हम लोग के देश के लिए गौरव की बात है, और दूसरी बात उस कॉलेज से जुड़ाव भी है और सब लोग से मिल भी लूँगा, तो इसलिए आऊँगा जरूर। ठीक है, तब तक के लिए फिलहाल आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, कई बच्चों का आंसर आ गया, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा वो समझे कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। वैसे मैं पहले से लॉजिक से समझा दे रहा हूँ, फिर मैं से इक्वेशन से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कई बार इक्वेशन बनाना भी आप लोगों को पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है। पहले मैं लॉजिक से बता रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक से आप डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोला क्या है, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, यदि उनका औसत 100 हो। तीन संख्याओं का अगर औसत 100 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 3 × 100 = 300। अब 300 को ऐसे तीन पार्ट में बांटना है कि पहली वाले की तिगुनी मिल जाए आपको, पहली वाले की दुगनी मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर बांटेंगे तो कैसे बांट सकते हैं, कोई नंबर 60 हो तो उसकी तिगुनी 180, क्लियर है, ऐसे निकल सकता है। और अगर इक्वेशन से अगर आप बनाना चाहें तो इक्वेशन से कैसे बनाएंगे, पहले मैं इक्वेशन बता के तब लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है, संख्या हमने x मान लिया गया, तो बोला गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, दूसरी संख्या मान लेते हैं तीसरी की तीन गुनी, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी, तीसरी की तीन गुनी आ गई। मान लेते से माना तीसरी संख्या x है, क्योंकि तीसरी पे ही सारा डिपेंड कर रहा है, माना तीसरी संख्या x है, ठीक है, माना तीसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी थी तो 3x हो गया, क्लियर, 3x, क्योंकि तीसरी संख्या पे डिपेंड कर रही थी दूसरी संख्या, उसकी तीन गुनी थी, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 3x हो गई। अब बोला गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, इसकी दुगनी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या आपकी आ जाएगी 3x का गुणा 2 से कर देंगे दुगनी, यानी का आशय 6x, ठीक है, 6x। और टोटल औसत कितनी बन रही थी, 100 बन रही थी, 100 × 3 = 300, तो कुल औसत आपको दिया है, कुल औसत आपको दिया गया है 300, सभी को जोड़ के 300 मिल रहा है, क्लियर है, जोड़ दीजिए सभी को, ठीक है, तो आ जाएगा 6x + 3x + x = 300, तो कहने का आशय है 10x = 300, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 300/10, ठीक है, 300/10 मतलब 18, क्या आ जाएगा, 18, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे सॉरी कहाँ ध्यान आया मेरा, सॉरी माय मिस्टेक, x से काटेंगे 10 से काटेंगे 30 को, तो आ जाएगा 30, क्योंकि 30 दाम में 300 होगा, ठीक है, मैंने गलती से 18 लिख दिया, तो सॉरी, 10 दाम 10 30 300, तो 300 आ गया। और आपसे पूछा क्या गया, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ध्यान से देखिए क्या है, 6x है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 6 × 30 = 180, 180 इज द राइट आंसर, तो डी ऑप्शन आपका सही है, नन आंसर है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इक्वेशन एकदम सिंपल थी, कैसे किया गया एक बार मैं समझा रहा हूँ, देखिए तीसरी की तीन गुनी थी, तीसरे पे डिपेंड कर रही संख्या, तो हमने तीसरी मान लिया x है, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x की तीन गुनी 3x हो गई, और पहली संख्या दूसरी की दुगुनी थी,
दूसरी 3x की दुगनी 6x हो गया, ठीक है। सभी को हमने जोड़ दिया क्योंकि कुल 100 था और तीन नंबर थे, 100 थे 300, तो 10x बराबर 300 हो गया। यहाँ पे मैंने गलती से 18 लिख दिया था, वो 30 आएगा, तो x से मैंने डिवाइड किया, 30 आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 1x है, ये 3x है, ये 6x है, तो 6 × 3 = 30 जा 180, तो 180 इज द राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5th पे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। वैसे इक्वेशन बनाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन अगर आपको बनाना सीख जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं जब पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने इक्वेशन बनाने में बहुत ज्यादा वर्क कराया था आप लोगों को। अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हैं तो ट्रिक से कैसे लगेगा, तो ध्यान से देखिए। बोला गया है कोई ऐसा नंबर जो कि डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीनगुनी है। तो तीनगुनी होने का मतलब क्या है, कोई मान लेते हैं नंबर जैसे अभी कैलकुलेट हो गए तो 300 आना चाहिए। तो अगर जैसे आप बांटिए ऐसे नंबर को, जैसे ग्रुप में अगर बांटेंगे तो ऐसे बांटेंगे 180, 90 और 30। तो ध्यान से देखिए, ये इस नंबर का तीनगुना है, तीनगुना, और ये इस नंबर का दोगुना है। ऐसे सेटअप बैठ जाया करता है, क्योंकि बाकी और कोई नंबर लेंगे आप लोग अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेते हैं ना, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बैठेगा। जैसे 150 का आप आधा करेंगे 75 बनेगा, उसका आधा करेंगे 25 बनेगा, तो वैसा सेटअप नहीं बैठेगा कि जोड़ के जो 300 पहुंचा दे, क्योंकि जोड़ेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 250 ही आएगा लगभग। इसको जोड़ने में डायरेक्ट आपका 300 बन रहा है, उसको जोड़ने में 250 बन रहा है, इसको जोड़ेंगे तो और कम बनेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के सेटअप नहीं बन रहे हैं, इसलिए ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको महारत है इक्वेशन बनाने में, अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं गलत होना है। बाई चांस इसमें गलती से आपका कैलकुलेशन इधर उधर हो गया तो गलती से गलती भी हो सकती है, बट इसमें कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के टेस्ट नंबर 1st के 5वें क्वेश्चन पे, ठीक है। अब तक 7 नंबर का टेस्ट हो गया है, हाईएस्ट पे चल रहे हैं। दिव्या हाईएस्ट पे चल रही है, बहुत बढ़िया। आज का 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, एक्स और वाई की मासिक आय, मासिक आय 50-50 रुपए है, मतलब 5050 रुपए है, ठीक है। बोला गया क्वेश्चन एक्स और वाई की औसत मासिक आय, यहाँ औसत मतलब कि क्लियर है, औसत मासिक आय 50-50 रुपए है, मतलब 5050 रुपए है। वाई और रुपए है, वाई और जेड की, वाई और जेड की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय 6250 रुपए, 6250 रुपए है, ठीक है। बोला गया एक्स और वाई की मासिक आय, वाई और जेड की मासिक आय, और एक्स और जेड की मासिक आय 5200 रुपए, तथा एक्स और जेड की मासिक आय 5200 रुपए, मासिक आय 5200 रुपए, तो एक्स की मासिक आय होगी, तो एक्स की मासिक आय क्या होगी, क्या होगी। हाँ, आपका क्वेश्चन बोला गया है एक्स और वाई की औसत मासिक आय 5050 रुपए है, वाई और जेड की मासिक आय औसत में 6250 रुपए है, तथा एक्स और जेड की मासिक औसत आय 5200 रुपए है, तो एक्स की मासिक आय क्या होगी आपको बताना है, ठीक है।
आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4050 रुपये, 4500 रुपये, सी ऑप्शन है 4000 रुपये, और डी ऑप्शन है 4200 रुपये। ठीक है, कमेंट करके बताइए कितना रुपया आएगा, सॉल्व कीजिए। आपका क्वेश्चन ये है दो नंबर का, ठीक है, दो नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर बताइए। ये 5050, ये 6250, ये 5200। जल्दी कंप्लीट करिए, 2 मिनट का समय है, जल्दी सॉल्व करिए, कमेंट कीजिए। बहुत बड़ा कुछ लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों का आ गया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर्स दिख रहे हैं, और जिन लोगों का नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए समझे, ध्यान से देखिए, टोटल मिला के 9 नंबर कंप्लीट हो गए आप लोगों के। अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, देखिए एक्स और वाई की मासिका 5050 रुपये थी, एक्स और वाई लेंगे अगर तो कितने लोग हैं, 5050 रुपये है, और मेंबर कितने, ध्यान देखिए 2 मेंबर है ना, गुणे 2 कर लीजिए, 2 0 0 0 2 5 10 0 हासिल 1 1 2 5 10, ये आ गए इन दोनों की, x और y की, ऐसे y और z की निकाल लीजिए, y और z की निकालेंगे तो 6250 है और 2 मेंबर है, निकालिए 2 0 0 0 2 5 10 हासिल 1 2 3 4 1 5 2 6 12, 12500 रुपये हो गए। क्लियर है, ऐसे ही किसकी निकालेंगे हम लोग, z और x की, तो 5200 रुपये थी, 2 ही मेंबर हैं, तो 2 0 0 0 2 0 0 2 3 4 2 5 10 कितना हो गया, 10400 रुपये। सभी को एक काम कीजिए, जोड़ दीजिए, 1 2 3, सभी को क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है, ध्यान से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 + 2 + 3, ध्यान देखिए, एक बार ध्यान देखिएगा, एक्स 2 बार हो गया, वाई 2 बार हो गया, जेड 2 बार हो गया, ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सभी को जोड़ना तो इधर का भी जुड़ेगा, ध्यान देखिए 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 4 10 कैरी 1 2 1 3 3, गलती में जोड़ा हूं, 1 सेकेंड, सही है, 2 1 3, और ये 3 33000 हो गया, ठीक है, क्लियर है, 33000 हो गया। 2 से 1 काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 2 से डिवाइड करने पे 16500 रुपये, इतना सभी को समझ आ गया होगा, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, क्लियर दिख लीजिए, ना दिख रहा तो मैं स्क्रीन नीचे कर दूं, नहीं दिख रहा था,
ध्यान देखिए अब दिख रहा होगा, देखिए क्या क्या है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। एक्स और वाई की मैंने निकाला मल्टीप्लाई करके इतना आया, उन दोनों को वाई और जेड की मैंने निकाला इतना आया, जेड और एक्स की निकाला इतना आया, सभी लोग दो दो बांटे, मैंने सबको ऐड किया तो दो दो बांटे, तो दो मैंने कॉमन ले लिया, सभी को जोड़ने में 33,000 आ गया, तो सबका सिंगल सिंगल जोड़ने में कितना गया 16,500 आ गया। और आपको ध्यान से देखिए y प्लस जेड की वैल्यू पता है, अगर y प्लस जेड की वैल्यू हम लोग निकाल दें, अगर ये वैल्यू इसमें से निकाल दें हम लोग, तो हम लोग को x की मिल जाएगी। क्लियर है, निकाल लेते हैं, 16,500 आया है, 16,500 टोटल का, और ये है 12,500 जो कि y और z की है, हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम पूरे में से y और z की निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगी किसकी, x की। निकाल लेते हैं, 0,0,0 6 में से 2 गया 4, टोटल कितना हो गया 4,000 रुपए। तो x की मासिक आय कितनी रुपए थी, 4,000 रुपए। नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कई बच्चों का सही आंसर भी आया था, वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे किया गया, मैं एक बार ओनली समझा दे रहा हूँ। जैसे बाई चांस मान लेते हैं एक घर में 3 लोग हैं, जैसे चलिए दिव्या क्लास में है, शिव पूजन है, मैं हूँ, ओजस्वी हैं, सब लोग हैं, तो उसमें से मैं 3 लोगों के लिए, तो मान के चलिए दिव्या हो गई, मैं हो गया, शिव पूजन हो गया, ओजस्वी आप बैठ के खाइएगा केवल, ठीक है। तो मैं और शिव पूजन अपना अलग कमा रहे हैं, मैं और दिव्या अलग कमा रहे हैं, शिव पूजन और दिव्या अलग कमा रहे हैं, ठीक है। तो मेरी और शिव पूजन की टोटल कमाई को एक जगह रख दिया गया, ठीक है, फिर मेरी और दिव्या की कमाई को एक जगह रख दिया गया, शिव पूजन और दिव्या की कमाई को एक जगह रख दिया गया, फिर जब सबको कलेक्ट करेंगे तो ये हम सभी की कमाई होगी, तो हम सभी की कमाई कितनी आ गई थी, 16,500। तो उसमें से अगर मेरी पर्सनली निकालनी थी तो मैं शिव पूजन और दिव्या का अलग कर दूंगा, मुझे मेरी पर्सनली मिल जाएगी, मैंने वही काम किया, वाई और जेड का मैंने घटा दिया, हमें एक्स का मिलेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। अभी तक 9 नंबर का टेस्ट हो गया, हाईएस्ट पे 2-3 बच्चे चल रहे हैं, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का खत्म हो जाएगा और आप लोगों का टेस्ट रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस मैं इस कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर, वैसे कमेंट मैं कर दूंगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, मैं कमेंट कर दूंगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, और जिन लोगों का आज का टेस्ट खराब होगा वो निराश नहीं होंगे, कल इसीलिए एक और टेस्ट मैंने रखा है ताकि जो लोगों बच्चों का आज खराब हुआ हो वो कल से रिवीजन करके आए और अच्छा टेस्ट दें, ठीक है, ताकि उनका नंबर कल अच्छा आ सके। और फिर संडे को आप लोगों की 2 घंटे की क्लास है, भूलिएगा नहीं कि संडे को अपलोड हो जाएगी, मतलब मैं ऐसे टाइम पर अपलोड करूंगा कि आप लोगों के हिसाब से संडे पड़ेगा, और उसमें 2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें आपको कैट के, क्लैट के और एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, शायद वो इंग्लिश में भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश भी लिखूंगा अभी, तो मैं स्क्रीन भी समझा दूंगा, तो 2 घंटे की पूरी क्लास रहेगी, ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम बच्चे अटेंड कर सके, 20 से 25 बच्चे अटेंड कर सके, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 1 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 6, 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, 3:5:7 है, ठीक है। सबसे छोटी लड़की की आयु होगी,
सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात करें, सबसे छोटी लड़की की आयु, सबसे छोटी लड़की की आयु। मैं गलती से लकड़ी लिखने वाला था, लकड़ी हो जाता कि सबसे छोटी लकड़ी की आयु ज्ञात करें। यही क्वेश्चन क्या है, तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात इतना 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 है, सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात करें। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष और नन ऑफ दीज। सॉल्व करके आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन बोला गया तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात करें। आपके ऑप्शन दिए गए 4, 12, 8 और 9 of 20। जल्दी से कमेंट कीजिए। एक मिनट के अंदर जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, समझा देते हैं कैसे होगा, जिन लोगों को नहीं समझा रहा देखें। आपको औसत दिया गया है 3, 5, 7 और औसत आयु 20 है। मैंने क्या बताया, जब भी मेंबर्स दिए रहते तो आप उनका उनसे मल्टीप्लाई करके औसत पहले फाइनली निकाल दिया करिए किसने। तो तीन लड़कियां हैं और औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 3x + 5x + 7x = 20 औसत थी और तीन मेंबर थे। ठीक है, तो 3, 5, 8, 8, 7, 15 आपका हो गया 20, 3, 60 x = 60/15 कहने का आशय है x = 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, अब आप किसी की भी निकाल सकते हैं। आपका पूछा क्या गया था, सबसे छोटी लड़की, तो सबसे छोटा अनुपात कितना है 3, तो 3 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x निकालना था आपको, तो 3 × 4 मतलब 12 वर्ष की सबसे छोटी लड़की थी। ठीक है, सबसे छोटी 12 वर्ष, बीच वाली 20 वर्ष और सबसे बड़ी 28 वर्ष, तो तीनों का एवरेज मिला के कितना था 20 वर्ष। ठीक है, तो 12 वर्ष इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का सही आंसर आ गया था, वेरी गुड, जिन लोगों का नहीं आया था वो नोट कर लें। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का ये फर्स्ट टेस्ट यहीं पे समाप्त किया जाता है। जिन लोग बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उनका नाम मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। अभी से मैं 15 से 20 मिनट बाद स्टेटस पे भी लगा दूंगा जिन लोगों ने टेस्ट बेस्ट किया है। ठीक है, और बाकी जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो पाया वो कल सेकेंड टेस्ट है, आप लोग उसमें अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोगों के लिए कल एक और अपॉर्चुनिटी है।